गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सर प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर सी है, इसका जो है वो कौन सा होगा? सी। इसमें हमारे पास में कॉलम है 4, 1, 2, 3, 4। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। इसमें हमारे पास में डिजिट है 9, 8, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 5, 5। ठीक है, अब आपको 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है। ये 9 है, इसमें से आपको 8 करना है, तो 5 कट कर दिए आपने, 3 और कट कर दिए, तो आपके पास में कितना बचा? 1। क्या बचा? 1। अब आपके पास में है 3, 3 में से आपको सब्ट्रैक्ट कितना करना है? 2 करना है। ये 2 कर लिया तो कितना बचा आपके पास में? 1 लिखना है आपको यहाँ पे। फिर आपके पास में 4, 4 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया 3, ये 3 कर लिया, कितना बचा? 1। और आपके पास में 5 था और 5 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, या 5 लाइन थी, 5 लाइन काट दी, तो कितनी लाइन बची आपके पास में? 0। यानी कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं को क्या लिखते हैं अपन मैथ में? सिंबल है इसका, क्या है? 0। फिर अपने पास में डी वाला 2, 3, 4, इसमें भी 4 कॉलम है। O for ones, T for tens, H for hundred, TH for thousand, लिख दिया। फिर इसमें है 1 box, 2 box and 3 box। यहाँ आपको सिंबल लिखना है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है, हर में बनाना है सब जगह। 2, 2, 3, 1, 5, 4, 8, 6। ठीक है, आपने 2 था, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या बचा? 0। आपके पास में 3 था, 3 में से आपने कितना सब्ट्रैक्ट किया? 1। कितना बचा आपके पास में? 2। आपके पास में 5 था, 5 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या बचा आपके पास में? 1। ठीक है, अब आपके पास में 8 है, 8 में से आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना है, 6 काटना है, 5 काट लिया, एक और काट लिया 6, अब आपके पास में कितना बचा? 2। जब 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 2। अब आप इसको क्या करें, अपनी नोटबुक में कॉपी करें। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है,
एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और हमेशा सब्ट्रैक्शन में क्या होगी, जो ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है वो क्या होगी, ऊपर लिखी जाएगी, ठीक है। और ये आप इसको प्लेसेस भी याद होनी चाहिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। देखो फाइव क्या है, थाउजेंड, फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी नाइन, इसको रीड भी कैसे करेंगे, फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी नाइन, ये हमारा क्या होगा, नंबर रीडिंग होगी। और नीचे वाला कैसे रीड करेंगे, फाइव थाउजेंड, फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट। लास्ट वाला वंस और टेंथ को एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है, ट्वेंटी एट, तो फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट। तो देखो फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू है, उसमें से थ्री हंड्रेड लेस हो रहा है। यहां देखेंगे हम एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड, एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी टू, एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी टू, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेल्व, तो आंसर क्या आया, टू थाउजेंड, टू क्या है, थाउजेंड है, कैसे पता चला, क्योंकि उसको ऊपर क्या लिखा हुआ, थाउजेंड, टू थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी, ठीक है। अब आपने कर लिया होगा, तो बढ़ते हैं हम आगे। सी और डी हो गया है, ई लेते हैं, ई हमारे पास में है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, ई है हमारे पास में, फाइव फोर थ्री जीरो सिक्स टू सेवन सिक्स, ठीक है। हमें फाइव है, फाइव में से फोर को सब्ट्रैक्ट करना है, ये फोर सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितना बचा, वन, वन हमें लिखना है, यहां लिख दिया, थ्री था मेरे पास में, थ्री में से मेरे को थ्री जीरो सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो का मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट, जीरो का मतलब कोई नहीं, थ्री लाइन है, मेरे को जीरो लाइन काटनी है, जीरो लाइन का मतलब कोई भी लाइन नहीं काटनी है, तो अब मेरे पास पे कितना बचा, थ्री बचा, ठीक है, कुछ भी नहीं गया मेरे थ्री में से, कुछ भी नहीं गया, कुछ भी का मतलब जीरो। अब था सिक्स, सिक्स में से ये था मेरे पास में सिक्स, ठीक है, सिक्स में से मुझे कितना कट करना है, टू, तो वन कट कर दिया, वन मोर कट कर दिया, तो कितना बचा, फोर, तो यहां फोर लिखेंगे। सेवन है, सेवन में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सिक्स करना है, फाइव कट कर दिया, वन और कट कर दिया, कितना बचा, वन, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन है, तो आप इसको करें, तो आप कर लिया होगा आपने ई,
ठीक है। अब जो हम करेंगे होमवर्क के लिए आपको देंगे टू क्वेश्चन, आपको क्या करना है होमवर्क में करना है, तो आपको होमवर्क के लिए इसी में है एफ वाला, ठीक है। इसमें हमें कॉलम बनाना है 2, 3, 4, प्लेस भी याद करनी है 1, 10, 100, 1000, ठीक है। ठीक है, एक तो ये करना है और एक और O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर हंड्रेड, TH फॉर थाउजेंड, ये आपको मैं अपने मन से डाल रहा हूं, ये है ना, तो आपको ये करना है। यहां पे आपको तो इसमें होगा हमारा वैल्यू आपको लिखनी है, 7 में से आपको 7 करना है, 0 में से 0, 5 में से 3, 8 में से 7, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है होमवर्क में करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है बहुत आसान है और विदाउट बोरो वाले हैं, तो आपको आसानी से कर पाओगे। तो आज की जो अपनी क्लास है इसी के साथ में फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।